गाइस दीपावली की खरीदी करने आए हैं। काए काए जो का हो रहा है कुछ भी नहीं, पटेल भाई जल रही है, दंतन की पूरी मोरा गर्राने हैं। होने लगी थोड़ी ज्यादा, मोबाइल और कड़ा ना हो तो ईटे चलाएं तो लड़वा दो। ए रैपर पूछ रहा है शुद्ध घी की पहचान का, शुद्ध घी की पहचान बता। घी लेके गए उनको नहीं पता बस कुछ रेस्टिकेस क्यों किया, क्या किया आपने ऐसा? हमने बाल काट दिए। इसलिए सोना निकालने वाली आंटी है। सोनवार का कचड़ा भी बनी है कि बहुत नाम से महंगा होता है। हाँ हमारे बराबर सौरभ भाई भी हैं। अपन काहे की दुकान कितने 16 दिया बेटे 68,000 का लैपटॉप। दोस्तों आज कितनी तारीख? आज 28 तारीख का ब्लॉग यहीं से चालू होता है। हर्षू के पास से हमारी पुरानी रंगोली का कलर ये खत्म नहीं कर पाए, मतलब कि बेच नहीं पाए, काफी सालों से हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इस बार हम लोग उसको लिपटा देंगे, इसलिए हर्षू को आज सुबह से बुलाने आए हैं कि रंगोली की दुकान लगाओ। तो हर्षू तैयार हो गए, टनाटन होकर बनकर आ गए। अफसराएं भी सुबह सुबह खड़ी हुई हैं, ये मोहतरमाएं इनको भी देख लीजिए। जय श्री राम। वो हमारे जूजू की जूजन जा रही हैं पिछले साल की वायरल हुई वीडियो वाली। तो ये अफसराएं, अपन कहाँ जा रहे हैं? भुंटा तोड़ने। तुम कहाँ जा रहे हैं? सब 500 रुपए दिन कमा रहे हैं और हर्षू को अपन नहीं देंगे। हर्षू के फ्री में ले जा रहे। चलिए हम चलते हैं। हम आ गए हैं हर्षू की दुकान के लिए ब्रांच लेने के लिए। और छुट्टू भाई ताला खोल रहे हैं। हाँ ताले खोल रहे। इनकी काफी बड़ी गोदाम है, माल बिल्कुल सफा सब टकवा टप भरा हुआ है। चेक कर रहे हैं इनकी टांगे टूटी तो नहीं, हमेशा टूटी मिलती है ट्यूबे से। पास बार चेक करके ले जा रहे हैं। हम ब्रेंचों को ले आए हैं और छोटू हर्षू भाई पकड़े हुए हैं। छोटू भाई ऑलराउंडर हैं, कल तक पुताई कर रहे थे, आज उनने लक्ष्मी जी दिया और हवन कुंडी की दुकान खोल ली है। और लारा भाई अपना पेट दिखा रहे थे और अंदर कर लिया है। जय श्री राम। सच्चे नित्तू भी आ गए, नित्तू का काम कर रहे दीपावली में, ये झालर लगाएंगे जिसको झालर लगवानी हो। भुंटा ये भी भुंटा पे काम पर जा रहे हैं, खेतों में 500 रुपये दिन कमा रहे हैं। और छोटू भाई की 5 दुकानें फिक्स हो गई हैं हमारे घर में, यानी कि 5 जगह ये दिए दे देंगे इस बार। इनके आधे दिए ऐसे ही पक जाएंगे। और ये दीदी स्कूल नहीं जा रही, बार बार अंदर जा रही हैं, स्कूल का बहाना मार रही हैं। हमारे बराबर सौरभ भाई भी हैं। अपन काहे की दुकान कितने 20 के 16 अपनी दुकान कहाँ मिल है? अरे जाते तो पड़ाव पे खड़ी है ना, और कोई चाहिए तो कहाँ पे मिल है? होम डिलीवरी, बस स्टैंड होम डिलीवरी भी मिल जाए है ना। तो गाइस जैसे किसी को दिया चाहिए, होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। तो चलिए अब हम चलते हैं। हमारे हर्षू भाई अपनी दुकान की तैयारी में जुट गए हैं और जल्दी इनकी दुकान खुलने वाली है। इसलिए सोना निकालने वाली आंटी हैं। ये जितनी भी सोने चांदी की दुकानें रहती है उसके सामने साफ सफाई करके सोना जो सोना ढलाई करके छोड़ देते हैं और फेंक देते हैं, उस सोने को निकालती हैं। यानी कि सबका अलग अलग टैलेंट है। तो गाइस दीपावली की सफाई लगी हुई है। हमारे सुरेश भाई भी कल से जुटे हुए हैं, यानी कि हमारे भारत में सभी काम कराते हैं। वाइज सुरेश भाई का रंग बिरंग हैप्पी दिवाली गाइस, अभी से एडवाइस। तो हम मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ऐसे ये सोना निकालते हैं, ऐसे सफाई कर करके इस रेत को ये धोलेंगे। पहले तो पूरा साफ सफाई करके इस कचड़े को इकट्ठा करते हैं ये लोग। कचड़े को इकट्ठा करने के बाद इसको धोलते हैं, छन्नी से छानते हैं और इसका सोना निकालते हैं। तो वो एक बार डायलॉग सुना होगा आपने कि अच्छे लोगों की संगति करें, क्योंकि उसे कौन को बनिए की बादाम नहीं थे। सुनवार का कचड़ा भी बनिए की बादाम से महंगा होता है। हाँ अच्छे लोगों की संगत में रहें, सुनार का कचड़ा भी बनिए की बादाम से महंगा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सोना निकालते हैं, ये कचड़ा जो है ना इसी में से सोना निकलता है। तो ये जो मुहावरा है यही है। ये देखिए सफाई चल रही इनकी। हमारी ये पैकिंग की तैयारी चालू हो गई है, दोनों भाई लगे हुए हैं, अनमोल और हर्षू। जाइए जल्दी जल्दी करो अपनी अपनी दुकान। जय श्री राम भाई। ढंग से लगा। हाँ सही बात है, आदमी बोरा हो लेकिन चुदवारा न लाओ। तो गाइस हमारी रंगोली जम रही है। ए लड़ो ने तुम रंगोली दुकान लगा आपने। जी सफेद वाली भी। गाइस पिक्को आ गई है। पिक्को हमारी दुकान से रंगोली ले हो ना, कितने की? 10
हम आई नो ही हरसू किया है, लेकिन फिर भी ले लेने है ना। कितने की ले हो? 8 की ले हो। देखा 2 रुपए को वो जैसी 2 रुपए को वो आ गाओ, हम ना कहीं हमारी दुकान आया ना कहीं 10 की ले है, नहीं हरसू किया है तो ना कहीं 8 की ले। देखा है हमारे नाम में आदमी दो छोटी बिट्टू आज पास्ता बनाने वाली है और पास्ता ले जा रही है। देखो पास्ता बना रही इतना बने हैं। हाँ बन रही है। फाइनली गाई हमारे छोटे भाई सब वो पट्टी क्रॉस कर ही रहे हैं, बैग लेकर आ गए हैं और अभी अभी गोटे गांव से आए हैं, एंटर हुए हैं। अब अभी अपने पापा के पैर पड़ने गए हैं दुकान तक और इसके बाद हमारे पास आने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा रैप गाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन एंट्री ऑफ शुभ राय। शुभ राय आ चुके हैं, ये अभी अभी गोटे गांव से आए हुए हैं और काफ़ी कुछ बैग में लेकर आए हैं। कहिए कितने दिन की छुट्टी पड़ी है? एक हफ्ता की छुट्टी में आया और अभी बैक टू बैक हो जाएंगे। तो ये भाई गोटे गांव में रहता है, वहीं पढ़ाई करता है। चलिए तो अब कुछ और दिखाते हैं आपको गाइस। हरसू भाई की फैक्ट्री में काफ़ी सारे उनके भाई मित्र भाई आए हुए, एक भाई आए हुए जो कि स्कूल से ऋषिकेश है। बताएंगे आपको स्कूल से ऋषिकेश क्यों गया, क्या किया आपने ऐसा? मैंने बाल काट दिए। मैंने तुम्हारे बाल काट दिए तो तुम हमें ऋषिकेश का है भाई? मार दिए थे मैंने। तो तुमने मैडम को मार दो झापड़ा। हमारे देखो महान महान लोग हैं भाई। मैम की भी गलती है, स्कूल में बाल नहीं काटने चाहिए थे इसके। अरे सब देखे तुम्हारा ओढ़खा बेखा घी डब्बा का वहाँ से तुम बता दे पहचान। जब तो आदमी चेक कर खले है पहचान बता दू का है। ए, लगा और भाई वो सो ले लो ढक्कन में पहचान। एक मोह से बता दू मोह शुद्ध घी की पहचान तो बता दू का है। नहीं जान चलो ठीक है तो आपका दाऊ जानता ही है ना। ए दाऊ अब भाई हम और उनसे पूछ रहे हैं शुद्ध घी की पहचान का। शुद्ध घी की पहचान बता, घी लेके गए उनसे नहीं पता। अच्छा खुशबू से पता चल जा बेबता नहीं पा अपन बता। और हाँ पेपर दूध की क्वालिटी बताओ। पेपर दूध की क्वालिटी जा रहे थे अगर भैंस को रहे तो भैंस को गदिया पर अपने तो उसमें बूंदा रहे बूंदा जो तो कालू रहे है तो वो अगल बगल तो पतरू पतरू हो चिपक है ने। और गैया के दूध की गैया को आधे की गैया को पतलो दूध रहे। चलो 70 लीटर तो लीटर दाऊ के पास डेयरी है। 20 घरों में दूध देते हैं भी। तो गाइस हमने आपको बताया शुद्ध घी और देसी घी और दूध की पहचान। जैसे कि ये पहले बब्बा नहीं बता पाए थे कि शुद्ध घी की पहचान की। अगर आप कोई काम करते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और जो हमारे यहाँ दूध लेके आते जो बब्बा उनने बताया कि दूध की पहचान क्या है। दूध हमारे यहाँ ऑलरेडी होता है लेकिन कम पड़ जाता है तो बाहर से भी मंगवाना पड़ता है। तो पानी की रंगोली पैक होती जा रही है और हमारे हरसू भाई बहुत काफी सब है। हरसू भाई मुंह खोलिए, ये बिल्कुल कुछ नहीं खाते। खोलो मुंह खोलो आराम से। उठ गया भाई जाना आदमी जवान लग रहा है। रास्त्री का बच गया फिर छोड़िए छोड़िए सीटी खाता सीटी रक्सी में तो रहने रास्त्री ने खाने लोग जब बता रहे तूने रास्त्री खाई या सीटी खाई। देखो भाई साहब हरसू भाई ने अपनी रास्त्री को अरे मां बता खोलिए। देखो भाई तो आंख मार रहा है रे फसवा रहा है ये ऐसे फसवाया जाता है बस सीटी खा रहे तुम फंसो आ रहे हो। अरे भाई जब देखो आंख मार रहे नहीं पहले भाई मान ने भाई चलो सुन ली खाई है। अरे ये सुनो फंसवा तुम फालतू में ब्लॉग मत के आदमी देखा तो चढ़ान ला है कल। तो गाइस ये सीटी खा रहा था इसका दोस्त है दोस्त भाई दोस्त दोस्त को फंसवाता है पिटवाना चाहता है पिटवाना चाह। अब उसके जेब भी चेक कर सकते हैं कैसे ले हमारे जेब के काम उसके भाई का उसके जेब भी चेक कर। तुम रास्तरी खा दो नहीं खाए वो तो अलग ही दिखा रहे तुम तो। और ये हरसू खाता है गाइस अच्छे से इसको कमेंट करें।
गाइस हमारे यहाँ पर दो रैपर मिल गए हैं, इनकी जंग चालू होने वाली। पहला हमारा भाई गाएगा जो जबलपुर से आया है, फिर उसका ये गोटे गांव से आया है, दोनों रैप गाने वाले। हाँ थोड़ी पास आ जाओ, थोड़ी साउंड में क्वालिटी आए थोड़ी, इतनी आ जाओ, रैप सुन ले सब कुछ। रेहान भाई ब्लॉग सुना रहा है, रेहान भाई ब्लॉग सुनाने वाले हैं। अपना रैप गा लिया था, हमारी सुब बारी की बारी है। सुब भाई क्या वो रैप गा रहे हैं? हाँ भाई हमारा रैप हिंदू लोगों की तरफ। हाँ थोड़ा तेज। कोई बात नहीं जो कटे मेरे पर, मैं फिर भी रुकता नहीं, होगा अंत अभी ये अपना कटेगा सर, लेकिन झुकता नहीं। तो कौन सा नेता लेके आया, कौन सा मंत्री लेके आया, कौन सा भाई लेके आया, फिर चाहे डॉन लेके आया, इन सबके सामने तुझे जिंदा जलाऊंगा। हैवान लेके आया, फिर चाहे भगवान लेके आया। वाह 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 वाह, एक रैप और, एक और बंस फोर, कोई दूसरा भाई को टक्कर देना है। भाई जबलपुर से आए तो एक रैप और बनता है। यहाँ की मिट्टी यूं ही लाल नहीं है, जो मराठा की मिट्टी है ये कटते हैं सर, यहाँ पे किसी का झुकता नहीं सर। गा दो। तो ये रैप है कुआं के मिंदरा। हाँ। काए काए जो का हो रहा हो, कछु नहीं, बटेरबाजी चल रही है। हाँ। दंदा से मुड़ी मोरा गर्राने हैं। हाँ। बटेरबाजी चल रही है। हाँ। जकंगी चकाचक जी लगे भंगी बराबर। हाँ। इनके बाप घाट जाए अब जी सुनाचा, ससुर की मांग भाई का ब्याह में दहेज चाहिए, बिटिया पारवेख छाती में करेज चाहिए, बाप सो जगह जा जमीन बेच दई, जौन पेरा ज्यादा सारे होते हाथ खेच दई, बुजुर्गों की इज्जत से बने घर जो रोचा, सगो भी जो सगे खे आजकल वहाँ रठू कर, वही खे चैन नहीं है अब जी है दो पल, खुद की भाषा में सब खे समझा भी आए, जितया समाज उन खे निपटा भी आए, बने रहे हो का कुआ के इमिंदरा, सोचो आ गए कि खोलो तो केवरा, अंधेरों मटा खे जो मोटर को ज्ञान लो, हर सिक्का को सह पहलू चान लो, लड़कियों खे भी आ गए को पढ़न दो, बहुओं खे भी तुम बिटियों सी रहन दो। भाई साहब अब बोलो अब गाओ रैपो के सामने। अब तो भैया बिना सुने गाओ है, हमने बिना सुने वालों रैप गाओ। तुम्हारे पास है कोई रैप? हमसे थोड़ी ना आता रैप, हमें तो अब खत्म होगा भाई। भाई सब भाई थोड़ी लगा रहा है भाई। तो भाई फाइनली रैप का कॉम्पिटिशन सब इसमें एक्सपर्ट आगे निकल गए, आपको बधाई हो। बार से आप लोगों के लिए एक और अच्छा सा नया गीत प्रस्तुत करेंगे। चलो तो गाइस ब्लॉग कब हम दे रहे हैं, कुछ नया सूट दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। हमने हमारे मंगल भाई भी, अरे मंगल भाई राम जी कहाँ जा रहे हैं, दुबले से हो गए, माल ले लोगो सबेरे से, माल पी लोगो सुबह से, अरे घर जाओ तुम, सुनो अबे भाई ट्रैक्टर चाल पे खड़ो आ रहा मशीन पे, चल हम देते हैं। हाँ भाई लौट के देते हैं। हाँ हम तो सेठ हैं, जाओ तो लौट के दे दें, तुम ट्रैक्टर उठा लेने उधर से टाल से। आओ तो हमारी सेठ हैं, लेकिन अबे तो जाओ। लड़के नहीं रहते ना तो पुलिस रास्ता देखती है, लोग को पुलिस के पास जाओ भाई। जब हम गए जब थोड़े जाए देखो तो पापा वाला का छोटू वाला बड़ो वाले ताले में बैठे था, जूजू ने अच्छे जगह जगह ले गए थे भाई साहब, जूजू ने अच्छे दे हूं भाई साहब, छोटू वाले लड़का और नहीं फोन नहीं फोन के ना, और मम्मी आई कैद वो तो जोन ने मिट्टू पकड़ो तो को घर कौन से भाई मिट्टू को भाई साहब बाद में एक है तो मोबाइल दबू मिला है जू जू आए बता रहा तो मोबाइल मारे तो गाइस आजकल लड़ाई में मोबाइल भी चलने लगे हैं, तो मोबाइल भी थोड़ा हैवी लें, मोबाइल तक हथियार बनने लगे हैं, लड़ाई सुन रहे थे भाई लोगों की, भाई बैठे बैठे आज मोबाइल कवर भी लो तो कांटे वाले ले फट नहीं जाए छुल जाए खून आ जाए भाई, मोबाइल भी औजार होने लगे थोड़ी ज्यादा, मोबाइल और कड़ा ना हो तो ईंटे चलाएं अंधे चलाएं तंग कर लड़वा ने लिए नया मोबाइल ले लो। तो साथियों हम 0% फाइनेंस अनुज मोबाइल में आए हुए हैं, अभी दीपावली ऑफर में हम पता करते हैं क्या चल रहा है भैया आपकी दुकान में दीपावली में क्या ऑफर है कस्टमरों के लिए। दुकान में कस्टमर के लिए 5 गिफ्ट ऑफर है,
जो कि एक मोबाइल साथ 5 गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अच्छा, 0% में मोबाइल फाइनेंस किए जा रहे हैं। 0% में मोबाइल फाइनेंस भी और 5 गिफ्ट भी है, तो 5 गिफ्ट हमें देखना है आप क्या दे रहे हैं वो दिखाएंगे। आपको एक आकर्षक उपहार, इसके साथ एक ये उपहार है, एक ये है, एक फोन कंपनी का ये डिब्बा है और ये केबल प्रोडक्शन। अच्छा, फुल पैकेज है। फुल पैकेज। तो ये कहाँ पर है आपकी दुकान, एक बार थोड़ा बताएंगे? मेन रोड से हैबरा बडोनी में, झंडा चौक। झंडा चौक। तो आपको क्या क्या मिला, आपने मोबाइल खरीदा हुआ है? तो मोबाइल लिया है मैंने, एक मेरे को ये केबल मिली हुई, केबल की सपोर्ट मिली है, प्रोटेक्शन। हाँ। और मिठाई के डब्बे मिला, मिठाई। भाई सभी हम जबलपुर आ गए हैं, थोड़ी बहुत खरीदी थी दीपावली की। हाँ, लोकल पर वोकल। हाँ, लोकल लोकल, अरे लोकल से माल लें, ऑनलाइन ना लें। हम लोग जबलपुर आए हुए थे, LED बल्ब वगैरह ले रहा था अपनी दुकान के लिए, तब इसके लिए हम लोग खड़े यानी रुके हुए हैं। मार्केट काफ़ी लबालब भरा हुआ दीपावली में अभी, लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ कम है मार्केट में। भैया रौनक लगी है ब्लॉग देख के, ऑनलाइन ही खरीदना अपन को, धरती बहुत है ना, पैदल चलना है, शरीर को कष्ट देना है, ऐसे नहीं चलेगा घर में रहे रहे। त्यौहार फीके नहीं पड़े हैं, आप लोग फीके पड़े हैं रील्स और इंस्टाग्राम और ऑनलाइन में। सभी को थोड़ा थोड़ा आराम दिए, त्यौहार एक नंबर लगने लगेंगे। फाइनली भाई LED ले आए हैं, अपनी दुकान पर लगाएंगे और अपनी दुकान को चमकता हुआ रंगीन बनाएंगे, माहौल बनाएंगे लाइट से। गाइस दीपावली की खरीदी करने आए हैं, वही हमारा एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम जो हर साल बच्चों के लिए होता है, उसके लिए खरीदी करने के लिए आए हैं। देखते हैं मिलता क्या है। हाँ, कार्यक्रम में लेके वो सरप्राइज रहेगा बच्चों के लिए, वो ब्लॉग देख के पता ना लगा ले कि हम उनको क्या देने वाले हैं इस बार। ब्लॉग अपनी जगह, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज रहना चाहिए ना। जबलपुर का होलसेल का बाज़ार भी काफ़ी अच्छा है, भीड़ भाड़ कम है यार, ऑनलाइन के चक्कर में दुख लगता है यार, जब इतना सब अच्छा होने की वजह, यानी कि लोग रोड पर नहीं उतरना चाहते। भाई आपके शरीर को भी तो फायदा है, घर बैठे बैठे राजा महाराजा बने रहते हैं भाई। ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, अर्जेंट है, नहीं मिल रही है, आपकी तबीयत ख़राब है, आप लंगड़े आप आहेज हैं, तो आप ना आइए मार्केट में। चलो ठीक है, कंडीशन है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन नहीं है फिर तो मार्केट आइए भैया, ये आप लोग के लिए दुकान खोल के बैठे हैं लोग। तो भाई लोग हमारी खरीदी तो हो गई थी, लेकिन हमने एक छोटे भाई का लैपटॉप भी लेके जाना था, संदीप का छोटा भाई है, तो हमने लैपटॉप भी ले लिया है भाई संदीप के छोटे भाई का। कहाँ ये लैपटॉप i15 i5। ये रही हमारी दीपावली की खरीदी, जो कि जो कार्यक्रम हम करते हैं दीपावली के दिन छोटे बच्चों का, उसकी शॉपिंग भी हो गई है, सरप्राइज से बताएंगे नहीं। लैपटॉप दिखा भाई, काका आओ है छोटे भाई, काका आओ दिखा, काका लाओ अपन ने। तो एक लैपटॉप आया है, कितने एक HP का एक लैपटॉप आया है, और ये एक गिफ्ट में बैग, कितने को लैपटॉप पड़ो है? ₹68,000 का लैपटॉप। जी हाँ भाई, कुछ पैसे मायने नहीं रखती, खुशियाँ मायने रखती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों रात हो गई है, ब्लॉग बड़ा हो जाता है हमें पता है, हम रोज़ छोटा ब्लॉग करने की सोचते हैं, तो हम एक रेस्टोरेंट आ गए हैं, तो अब ब्लॉग कहीं स्किप करने वाले हैं। हमारा लैपटॉप हमारे साथ में, हमारा सामान बाहर रखा हुआ है। तो ब्लॉग बताइए क्या पसंद आया, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे संदीप भाई भी मोबाइल चला रहे हैं, थक गए, हमारे साथ आए शॉपिंग कराए, काफ़ी डिस्काउंट दिलाया इनने भी हमें। ब्लॉग को बने रहिए भैया, अगला ब्लॉग बहुत धमाकेदार होगा।